अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नसरिन के ब्लॉग चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सभी को अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दौलत शोहरत इज्जत से नवाजे मेरा मालिक, आमीन सुम्मा आमीन। तो सभी को बहुत प्यारा सा गुड मॉर्निंग और ढेरों सारे प्यार के ढेरों सारे दुआओं के साथ में हमारी सुबह हो गई है यहाँ पे माशाल्लाह से। और आप सभी सभी को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो दोस्तों। आज फ्राइडे है वैसे भी और सुबह में हम लोग जल्दी ही उठ गए थे। उठते बराबर से मैंने सोची आज भी व्लॉग हम लोग घर पे ही बनाने वाले हैं। मगर क्यों? वो इसलिए कि इसकी वजह आपको आगे पता चलेगी कि हम लोग बाहर क्यों नहीं जा रहे। अच्छा, और दूसरी बात, क्या आज हम लोगों ने शुरुआत की है उपमा बनाने से। तो सबसे पहले आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में उपमा, और उसके बाद मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ तहारी बनाऊँ या पुलाव बनूँ, क्योंकि तहारी भी खा के काफ़ी टाइम हो गया, हम लोगों ने तहारी नहीं खाए, और पुलाव भी खा के काफ़ी टाइम हो गया है। लेकिन बाहर जाके मैंने 2-3 बार तो पुलाव खाई हूँ, जो आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी देने लगा दूँगी। तो चलो करते हैं सबसे पहले उपमे की तैयारी, और फिर बहुत सारा है आज आपको वीडियो में जो कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप लोग, यहाँ पे मेरी उपमे की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे कि मैंने थोड़ा जाड़ा वाला रवा ले ली हूँ, उसी के साथ में उड़द दाल, गाजर, हरी मिर्ची, कांदा, कड़ी पत्ता और शेंगदाने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इसी कढ़ाई में, क्योंकि ये कढ़ाई जो है दोस्तों मेरे घर में की मेरी फेवरेट है। जब मैंने इसको लेके आई थी पूरी ब्लैक थी, इसको घस घस के ऐसी हो गई है ये, क्योंकि ये प्योर नॉनस्टिक नहीं थी, शायद थोड़ा उसके अंदर कुछ मिलावट थी इसलिए इसका कलर उड़ गया है। जो ओरिजिनल होते हैं वो सालों साल ऐसे ही चलते हैं, लेकिन हो गई अभी ख़राब, कुछ नहीं कर सकते। उसी के साथ में जो मैंने बोली हूँ दोस्तों आप लोगों को कि आज मैं क्या बनाऊँ, पुलाव या तहारी, तो अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ। मेरा तो दिल बोरा एक गोश्त को देख के तहारी बनाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसके अंदर मटन गल रहा है, ये गल चुका है पूरा अच्छे से, यार इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी है रही माशाल्लाह। तो थोड़ा सा ब्लर हो गया कैमरा, वो इसलिए है कि ये भाप की वजह से इसकी। तो चलो हम लोग फटाफट उपमे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ फटाफट से उपमे की तैयारी मैं कर लेती हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से उपमे का तैयारी भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ लेना भूल गई, जो है मेथी दाना और हल्दी। उपमा मुझे व्हाइट कलर का ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं व्हाइट कलर का ही उपमा बनाऊंगी और उसके अंदर डालूंगी थोड़े से मेथी दाने। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर से, क्योंकि आज जुम्मा है, बच्चे लोग नहाने में लगे हैं और ये मुझे वीडियो हाथी में मोबाइल लेके क्लिप मतलब हाथी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर उपमे के लिए सबसे पहले तो मैं रवा भून लेती हूँ अच्छी तरीके से, और उसी के साथ में मैंने यहाँ पर एक लोटा भर के पानी भी गर्म के लिए रख दी हूँ। इस तरीके से रवा बनाते हैं उपमा, तो वो अमेजिंग बनता है, माइंड ब्लोइंग बनता है। मैं जितने भी लोगों ने मेरे हाथ का उपमा खाया, उतने लोगों ने सबने माशाल्लाह बोले, बहुत गजब का उपमा बना है ऐसा बोले हैं। तो इस तरीके से मैं पहले उपमा बना के ले लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ी बहुत तो तैयारी मैंने आपको बताई थी, बाकी का तो वही है, बस तेल डालो, सारी चीज़ें फ्राई करके उसमें पानी डाल दो, फिर उसके बाद में रवा डालने के टाइम उसको हिलाते रहो और स्वाद अनुसार नमक टैन टैन। रवा भी मैंने भून के रख दी हूँ साइड में। चलो फटाफट से पहले बनाती हूँ और आप लोगों को खाके बताती हूँ कि कैसा बना है हमारा उपमा। तो दोस्तों इसी तरीके से पानी को बॉईल आ जाना चाहिए, और उसके बाद में इसी तरीके से हमें रवा इसके अंदर डालना चाहिए, ताकि नीचे कोई लम्स ना बने इसके, नहीं तो बन जाती है गुठली गुठली, तो वो जल्दी से फिर ये नहीं होती है, फिर उसमें नमक नहीं घुसता, फिर अगर आप कलर डालते हो तो कलर भी नहीं जाता है, इसीलिए। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे हमारा उपमा बनके रेडी है माशाल्लाह, इतना प्यारा बना है ना दोस्तों कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं बिल्कुल होटल वालों के जैसा करूँगी आज, देखिए कैसा लग रहा है। तो दोस्तों पता है आपको, इसके अंदर गाजर वाजर ये वाइट अगर रहेगा ना, ये बहुत प्यारा दिखता है। मैं आपको खा के भी बताती हूँ कैसा बना है हमारा उपमा, देखिए माशाल्लाह। आ हा हा हा, बिस्मिल्लाह। जो भी चीज़ है अच्छी तरीके से फ्राई करके लीजिए। सब में तो शेंगदाने उसको थोड़ा हल्का पिंक या रेड होने दीजिए, उनका टेस्ट जो आता है ना अमेजिंग आता है। तो दोस्तों यहाँ पे माशाल्लाह से हमारा नाश्ता वगैरह हो गया है, और अब मैं थोड़े से मैंने सोची परसों के दिन के ब्लॉग के, कल के ब्लॉग के कुछ कमेंट्स आए हुए जिनके जवाब देना था। मजा आएगा ना भिड़ो। जैसे कि एक भाई ने बोले माशाल्लाह आपा आपका आवाज बहुत क्लियर है, तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है मेरे भाई,
और आप लोगों की दुआएं है तो सब कुछ क्लियर ही है लाइफ में अभी तक। और उसी के बाद में एक था कि गोवंडी नहीं गवंडी है। हाँ भाई वो गवंडी है लेकिन हम लोगों को बार बार बोल बोल के हमारे मुंह में गवंडी 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 हो गया। अच्छा ना कि गवंडी हुआ है। तो उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि उसका जो रियल नेम है वो ले सके, क्योंकि काफी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है बम्बई के कम से कम एक 80% लोग तो उसको गोवंडी ही बोलते हैं, ठीक है। और उसी के बाद में एक आया ब्लॉग को लेके कि सुपर, शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ में कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोगों का गूगल एक्सेंस का पिन आया है। कल वीडियो उसके अपलोड करे थे हम लोगों ने, तो काफी सारे मैंने बोली थी लोगों को कि आपको अगर मेरे दोस्तों को कि अगर आपको मुझे मुबारकबाद देना है तो आप लोग दे सकते हो, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाके देखिए। तो उसी के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और आई बटन में भी आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू बेटा सो मच। देखिए चाय भी आ गई है, एकदम गर्मा गर्म चाय है। और दोस्तों उसी के साथ में था एक कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू भाई। और उसी के साथ में था अरे आपा आपका तवा कितना गंदा है शी बाबा शी। तो मेरी बहन मेरी बच्ची, वो तवा गंदा नहीं है, वो तवा बुड्ढा हो गया है। वो बूढ़ा इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने उसको खरीदी थी 2014 में, 2014 में उसको खरीदी थी हम लोगों ने। तो कंटिन्यू 10 से 11 साल मैं उसी तवे को यूज कर रही हूँ, उसी तवे पे मैं खाना बनाती हूँ। मेरा फेवरेट तवा है वो नॉनस्टिक का तवा है, वो जो आपको पूरा ब्लैक दिख रहा होगा तो पूरा नॉनस्टिक का तवा है। उसको यूज कर करके जब मैंने ली थी उसकी थिकनेस कम से कम इतनी जाड़ी थी, अभी वो इतना पतला सा हो गया है, जो उसके आजू बाजू लहर है अगर मैं उसको लिखा रही हूँ ना तो उसमें छेद ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन मुझे वो तवा रिप्लेस नहीं करना है, मुझे वही तवा चाहिए। उसके ऊपर मेरी रोटी बहुत अच्छी बनती है चपाती, इसलिए वो तवा मैं चेंज नहीं कर सकती। लेकिन इंशाल्लाह आगे से ध्यान रखूंगी आप लोगों को ऐसी कोई चीज गंदी ना देखने मिले। और उसी के बाद में एक कमेंट्स आया था कि आप लोग घर में ही वीडियो बनाए हो, बाहर कहीं गए नहीं हो क्या। तो मैं इसके अंदर थोड़े बहुत से क्लिप ज्वाइन करने वाली हूँ। जो मेरे हस्बैंड है आपके भाई, वो गए है गोवा और वो घर पे नहीं है, इसलिए हम लोग किधर भी बाहर नहीं जा पा रहे। इसलिए हम लोगों से आपके, मतलब हम लोगों को ऐसे आदत हो गई आप लोगों से जुड़े रहने की, इसलिए हम लोग घर के ही वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल रहे हैं। तो हमारा यही बोलना है जैसे आप लोग हमारे बाहर के वीडियो को प्यार देते हैं वैसे ही घर के भी वीडियो को प्यार दो। और ये तो मस्त इंजॉय कर रहे हैं अभी गोवा में। हाँ देखे आया था ना यहाँ पर, यहीं से आया हूँ। आज छुट्टी कर लिया क्या? एक ऐसा विले है, कुछ तो अच्छा नाम बोले कोई विले का, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम डालूंगी, अभी मैं भूल गई हूँ क्योंकि पूछूंगी और एक बार। और जहाँ पे गोलमाल 3 की और सिंगम और वहां से बोले तो कौन था दृश्यम वो एक मूवी, ये सारी ही चीजों की वहाँ शूट हुई थी वो होटल में, ये वहीं पे गए, इनका कुछ काम था इसलिए। तो इंशाल्लाह जैसे ही ये आते हैं फिर हम लोग घर के भी वीडियो डालेंगे और बाहर के भी वीडियो डालेंगे। बाहर का मौसम तो बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसा लगता है कि मस्त बाहर जाके एंजॉय करना चाहिए। तो मैं अभी आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद में, अपनी चाय भी खत्म करती हूँ और आप लोगों से फिर मैं मिलती हूँ, क्योंकि अभी तक और भी डिसाइड नहीं की हूँ मैंने कि तहारी बनाऊँ क्या पुलाव। मेरा तो दिल है तहारी ही बनाना। हम लोगों ने कमेटी पोस्ट अपलोड की है, आप जाके वहाँ पे वोट कीजिए कि हमने आज क्या बनाना चाहिए, तो हम लोग वही बनाते थे। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, आप लोग भी आइए चाय पीने के लिए। आ रहे होंगे तो 2 कप चाय एक्स्ट्रा बनाने के लिए बोलती हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने कम्युनिटी पोस्ट अभी ही अपलोड की है, एक 4-5 मिनट हो रहे रहेंगे। उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो भी चीज को वोट आएंगे जैसे कि तहारी या पुलाव, तो हम लोग आपके साथ में वो शेयर करेंगे और वही चीज हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों आज हमने कैंसिल की है तहारी या पुलाव बनाना। क्यों, क्या हुई? क्योंकि हमने जो कम्युनिटी पोस्ट अपलोड किए है
उसके ऊपर ओट आने के लिए टाइम लग रहा है, इसलिए तो मैं कल तक का टाइम दिए है। अगर जिसको भी ज्यादा ओट आएंगे हम लोग कल जरूर इंशाल्लाह बनाएंगे, और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाके कम्युनिटी पोस्ट का हम लोग आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप भी जाके आपकी राय दीजिए कि क्या बनाए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग भी बोर हो जाएंगे देख के। इसलिए तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड लव यू ऑल।